नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बंद हुए मध्य प्रदेश के स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद अब 1ली से 8वीं तक के प्राथमिक विद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। 1.5 साल से बंद इन स्कूलों की स्थिति का जायजा लेंगे आज के इस कार्यक्रम में, स्कूलों का लिटमस टेस्ट। शहर में सरकारी स्कूलों की हालत की पोल पिछले कुछ दिनों से जारी बरसात ने खोलकर रख दी है। कई स्कूलों में छत से पानी सीधे विद्यार्थियों के सर पर टपक रहा है, तो कई जगहों पर पूरा परिसर ही तालाब बना हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी स्कूल कैसे पहुंचे और पढ़ाई करें भी तो कैसे। दरअसल माध्यमिक, हाई, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में कक्षाएं शुरू होने के बाद अब 20 सितंबर से प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। कोरोना संकट के चलते बीते 1.5 साल से बंद इन स्कूलों की संख्या करीब 83,000 है। इस अवधि में बच्चों के साथ शिक्षक भी स्कूल नहीं गए, लिहाजा पहले से ही तमाम सुविधाओं के लिए जूझ रहे ये स्कूल बदहाली की कगार पर पहुंच गए। कोरोना के समय में बंद हुए गांव के स्कूल कभी खुले ही नहीं, ऐसे में स्कूलों की हालत जर्जर हो गई। गाँव के स्कूलों की हालत और भी खराब है। स्कूल खुलने के साथ ही अधिकारी अब अलर्ट हो गए हैं। राजधानी भोपाल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने गुरुवार को कई स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 अलग-अलग स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों और पीटीएम में आए अभिभावकों से बातचीत की। चौहान ने बरखेड़ा पठानी की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताते हुए वहीं बागसेवनिया में लापरवाही पर फटकार भी लगाई। नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्रोत में एक स्मार्ट क्लास में छत से पानी टपकता मिला, वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बावड़िया कला में स्कूल परिसर में ही पानी भर गया। स्कूलों की ये हालत राजधानी भोपाल की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में स्कूलों की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। तो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे पहुंचना शुरू हो गए हैं, छोटे बच्चों के लिए भी क्लासेस ओपन हो गई हैं, लेकिन स्कूलों की हालत खराब है। अब ऐसी स्थिति में छत टपक रही है, पानी बच्चों के सर पर टपक रहा है, और जब बाल अधिकार आयोग से ब्रजेश चौहान पहुंचे, अलग अलग राजधानी भोपाल की ये बात है जहां अलग अलग 4 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, तो कई जगह तो संतुष्टि थी लेकिन कई जगह पानी टपकता हुआ छत से दिखा और कई जगह परिसर ही तालाब में तब्दील हो गया। अब ऐसे में राजधानी भोपाल का ये हाल है, तो आम जगहों पर स्थिति क्या होगी आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब कोरोना अभी भागा नहीं है, पीछे नहीं हुआ है, वो लगातार वही मौजूद है। बचना हमें है और बचने की बात हम ये लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में आपके सामने रखते आ रहे हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचाना अच्छी बात है। अभिभावक भी इस मामले में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के साथ और तमाम संसाधनों के साथ। जब हमें कोरोना में सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना है, मास्क का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, और ऐसे समय पर जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी उस स्कूल में जहां जो स्कूल परिसर है तालाब में तब्दील हो गया। शुजालपुर से जानेंगे कि स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या हालात है। बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन बैठने लायक उनकी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। ओम मेवाड़ा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमें बताएंगे स्कूल का क्या स्टेटस है इस वक्त। लिटमस टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं हम ओम, क्योंकि बच्चों के स्कूल पहुंचने से लेकर वहां उनकी पढ़ाई तक, उनकी सुरक्षा, उनके लिए संसाधन क्या उपलब्ध है, क्या व्यवस्थाएं शुजालपुर में। शासकीय गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है कोविड को लेकर, बच्चों को पूरी तरह बच्चे आ रहे हैं 50% के हिसाब से, हर एक बच्चे के बीच में नियम दिखाया जा रहा है, सबको मास्क की तरफ से अनिवार्य की वैक्सीनेशन, जिन बच्चों का जो नया कोरोना गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो स्कूल की व्यवस्था इस तरह से काफी अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। सभी बच्चों को मास्क कंपलसरी किया जा रहा है, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रिंसिपल द्वारा किया जा रहा है। स्कूल की जो गाइडलाइन है उसको पूरे बच्चे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। ओम, अगर स्कूल के करीब आप हैं तो जरा चेक कीजिए और हमारे दर्शकों को लाइव बताइए कि क्या व्यवस्थाएं स्कूलों में हैं, बच्चे किस तरह से बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी पर मैं बताना चाहूंगा आपको, अंदर की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूंगा 2 मिनट आप। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर। ओम अंदर स्कूल के पहुंच गए हैं और स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं ये तस्वीरों के माध्यम से ओम हमें दिखाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में वाकई पढ़ाई हो रही है, वाकई बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं नहीं है। शुजालपुर की लाइव तस्वीरें अनादि टीवी आप तक पहुंचा रहा है ओम के जरिए, बताइए ओम।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कोविड के सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं। बच्चों को पूरी तरह मास्क और सैनिटाइजर। करीब जाइए ओम, जरा मास्क क्यों नहीं पहना है बच्चों ने, पूछिए जरा टीचर से। कुछ बच्चे मुझे बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मास्क पहना हुआ है, तस्वीर दूर से ऐसा लगा कि मास्क। बाकी सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ है और दूरी का पालन कितना किया जा रहा है? 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है ओम यहाँ पे? ओम स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं और हमें तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं स्कूल के अंदर। और देखिए, जरूरी है इस वक्त सुरक्षा का ध्यान रखना, बच्चे इस वक्त जिस भवन में बैठे हुए हैं उस भवन का दुरुस्त होना। ओम जरा छत की तरफ नजर घुमाइए, कहीं से पानी आता हुआ तो नहीं दिख रहा है? चलिए ओम के पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल आपको यही बता दें, स्कूलों में सभी ने मास्क पहना हुआ था। शुजालपुर के एक स्कूल की तरफ जब ओम बढ़े तो उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह से बच्चे मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, शिक्षक भी पूरी तरह तमाम चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ऐसे में भवन की क्या स्थिति है ये हमें ज़रूर जानना होगा, क्योंकि भोपाल में जो बारिश के समय पर स्कूल खुले तो हमने देखा जब बृजेश चौहान जी जो कि बाल अधिकार आयोग से पहुंचे थे अलग अलग स्कूलों में निरीक्षण करने, तो कहीं उन्हें पानी भरा हुआ दिखा तो कहीं उन्हें छत टपकती हुई दिखी। राजधानी भोपाल का आलम था, बाकी जगहों पर व्यवस्थाएं क्या हैं ये हमें जानना जरूरी है ताकि बच्चों पर कोई आंच ना आए। बच्चे पढ़ रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अभी खुले हुए हैं, 20 तारीख से छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्या हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम चीज़ें, उन तमाम पहलुओं पर हमें बात करनी होगी। ये तस्वीरें क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुले हैं, छोटे बच्चों की क्लासेस अभी नहीं ओपन हुई हैं, इसलिए बच्चे आपको मास्क में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपने समझिए और ये जानिए कि आप बच्चे स्कूल पहुंचेंगे तो जाहिर है कि छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, उनके लिए सफाई व्यवस्था की जरूरत है। मिड डे मील अगर मिलता है तो उसमें तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना, गाइडलाइन का, नियमों का पालन करना ये बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, कई जगहों पर 50% बच्चों के साथ स्कूल खुले हैं और छोटे बच्चों को भी इसी तरह से 50% संख्या के साथ ही क्लासेस में बिठाया जाएगा, तो कितना सेफ है बच्चे, कितना सुरक्षित हैं ये हम आपको यहीं इसी तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ हमारे जो भी संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, वो आपको लाइव तस्वीरों का जायजा दे रहे हैं कि स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएँ आने वाली 20 तारीख को लेकर रखी गई हैं। ये तमाम चीज़ें, कुल 2 ही दिन बचे हैं, यानी 20 तारीख को स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चे स्कूलों में पहुँचेंगे, और जाहिर है जब बच्चे स्कूलों में पहुँचेंगे तो बच्चों के लिए व्यवस्थाएँ होनी चाहिए तमाम सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूल तो ये 2 सालों में ताले ही नहीं खुले स्कूलों के, और वहाँ किस तरह की सफाई व्यवस्था है, किस तरह से, क्योंकि डेंगू भी इस वक्त है और कोरोना तो है ही, तो इन तीनों तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर से जब मिड डे मील दे रहे हैं तो उनमें किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को स्कूलों में भेजना है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और तीसरी लहर की दस्तक है अलग अलग राज्यों में, हालांकि मध्य प्रदेश इस मामले में सेफ है, और जब दस्तक है ही तो जाहिर है कि उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोरोना अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है, भले ही आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी बॉडी के ऑर्गन रिपेयर होने में काफ़ी समय लगता है, फिर तो ये मासूम बच्चे हैं, इसलिए इन पर शिक्षकों को मुस्तैदी से नज़र रखनी होगी कि किसी तरह का ये भूलवश भी गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना करें। और शिक्षा यानी पढ़ाई जब करा रहे हैं तो उस वक्त भी सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त पालन हो, रोज़ टेम्परेचर स्कैनिंग जो है वो होनी चाहिए ताकि, और ये खास तौर पर अभिभावकों को निर्देशित किया जाए कि आपके बच्चे में जुकाम, सर्दी, किसी भी तरह का लक्षण हो तो आप बच्चे को ना भेजें। ऑनलाइन क्लासेस चालू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई अभिभावक हैं अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, वो नहीं भेजना चाहते, लेकिन सरकारी स्कूल जहाँ पर हम देख रहे थे कि पूरे 2 साल 1.5 साल यहाँ ताला लगा रहा, अब शिक्षक जो हैं पहुँच रहे हैं स्कूलों में और कई जगहों पर ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, तो अब वहाँ जब बच्चे पहुँच रहे हैं तो हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, जान का भी ध्यान रखना है और जहान का भी ध्यान रखना है। और ऐसे में जब बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं तो हम इसलिए ही आज कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने स्कूलों का लिटमस टेस्ट करें और आपको ये पता चल सके कि व्यवस्थाएँ आपके बच्चों के लिए, आपके नौनिहालों के लिए स्कूलों में क्या की गई हैं। स्कूलों
को ओपन कर दिया गया है, बच्चे पहुंचने लगे हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पहुंच रहे हैं और उसके अलावा छोटे बच्चे यानी प्राइमरी सेक्शंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे जो अभी तक स्कूल ही नहीं गए यानी जिन्होंने नर्सरी में एडमिशन लेना होगा और कोरोना के बाद से वो स्कूल ही नहीं जा पाए, उनका सिटिंग यानी बैठना उठना सीखना जो उन्हें स्कूलों में था, खेलना सीखना था, उन्हें मॉरल एजुकेशन मिलनी थी, उन्हें गैदरिंग सिखाई जाती कि आपस में आप कैसे बैठें, लेकिन कोरोना के साथ शिक्षा भी और शिक्षा भी ज़रूरी है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल्स गाइडलाइन का पालन करते हुए ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी भी कई अभिभावक हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें लगता है कि स्कूलों में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, मिड डे मील में खराबी, और वहां सैनिटाइजेशन का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो सरकार को या शिक्षा विभाग को इस मामले में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कड़े निर्देश जारी करने की ज़रूरत है कि बच्चों को लेकर सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। आलोक हरदनिया होशंगाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम स्कूलों की अगर तस्वीरें वो दिखा सके तो लिटमस टेस्ट, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को कह रहे हैं आलोक, और क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूलों में हैं, छोटे बच्चों को लेकर अभी से तैयारियां हैं कि नहीं है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, कोरोना से किस तरह से बचना है। आलोक देखिए, मैं इस समय निजी सैमफोर्ड स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात की जाए तो 1वीं से 5वीं तक के बच्चों को बैठा लेने की जहां तक अगर बात है, मैं इस समय ये सैमफोर्ड स्कूल में हूँ। सिटिंग का जहां तक बात है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, प्राइवेट स्कूल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को लेकर काफी कुछ जागरूक है, कुछ अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जल्दबाजी कर रही है स्कूल खोलने में। क्यों? क्योंकि अभी वर्षा जनित बीमारियों का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है, वायरल फीवर के मरीज सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे में स्प्रेड होता है मामला तो फिर स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। और अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूल में भी अभी स्थिति यह है कि सोशल डिस्टेंस स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह कर पाएंगे ये मुझे संभव नहीं दिखता है। और अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की, कोरोना गाइडलाइन का पालन मीडिया के सामने तो होगा, क्या मीडिया के जाने के बाद भी उतना पालन होता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी बहुत मैन रखा है। ओवर टू यू पारुल। बिल्कुल आलोक, सही कहा आपने, क्योंकि हम भी यही कह रहे थे कि तीसरी लहर की दस्तक है देश में, हमारा राज्य ज़रूर सुरक्षित है, बचा हुआ है, लेकिन किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है आलोक, और ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह से स्कूलों में हैं नहीं हैं हम देखते हैं, हमने पुरानी तस्वीरें भी देखी हैं, कोरोना तो अभी आया है लेकिन उसके पहले भी हमारे स्कूल्स में क्या व्यवस्थाएं थी ये दुनिया जानती है, देश जानता है। और ऐसी स्थिति में आपने भी कहा कि मीडिया के सामने तो आप तमाम चीज़ों का पालन करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या 24 घंटे निगरानी रखेंगे बच्चों के ऊपर कि वो मास्क पहन रहे हैं नहीं, दूरियों का पालन हो रहा है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें, आखिर अभिभावक कैसे संतुष्ट हो। आपने जब धरातल पर जाकर तस्वीरें देखी, सरकारी स्कूल की तरफ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2.5 साल 2 साल 1.5 साल से ये स्कूल खुले ही नहीं, ताले ही नहीं ओपन हुए इनके, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, भवन जो है वो उसमें से पानी टपक रहा है, तो यहाँ बाकी स्कूलों के क्या व्यवस्थाएं हैं आलोक? देखिए, अगर आपका जो प्रश्न है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो आप सरकारी स्कूल पर फोकस कर रही, तो सरकारी स्कूल पर अगर फोकस करना है तो नौनिहालों के भविष्य का ख्याल रखना है, शिक्षा का ख्याल रखना है, तो जरूरत होगी सियासतदानों को कि हुक्मरानों को कि सियासत से समय निकालकर और नौनिहालों की तरफ ध्यान दें। और इस समय जो लग रहा है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह रहे हैं, ये मीडिया नहीं कह रही, ये अनादि टीवी नहीं कह रहा, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा और अभी हमको 100% अगर बड़े लोग 18+ वाले लोग वैक्सीनेट हो जाएं उसके बाद हम स्कूल खोलने पर विचार कर सकते हैं। और जब हमें पता है कि वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए, तो कम से कम वैक्सीनेट हो जाए बच्चे उसके बाद ये कदम उठाया जाना था। इसके पीछे अगर गड़बड़ी होती है यानी बच्चों में अगर ये संक्रमण फैलता है, भगवान ना करे ऐसा हो, हम यही आशा करते हैं, लेकिन अगर ये होती है स्थिति, तो प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, शिक्षा विभाग जिम्मेदारी लेगा, कौन इस मामले में जिम्मेदारी लेगा, ये अपने आप में सवाल है आलोक। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए कि अगर किसी स्कूल से स्प्रेड होता है
कोरोना अगर स्प्रेड होता है, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो एक नॉर्मल सर्दी जुकाम से ही स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट आता है, उसके बाद ही डॉक्टर कह पाते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। ये इसका डिसीजन आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही हो पाता है। सिंपल सर्दी जुकाम अगर किसी बच्चे को है तो क्या वो दूसरे बच्चे के बाजू में बैठा है तो क्या उस समय स्प्रेड नहीं होगा? और इस समय जब वर्षा चल रही है और फिर से मानसून एक बार फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ है, लगभग सभी जगह पर मानसून ने सक्रिय हुआ है। बिल्कुल आलोक, डेंगू भी है, कोरोना भी है, सर्दी जुकाम के बच्चे पहले से ही डॉक्टरों के पास अस्पतालों में पहुंच रहे हैं कतारों में, तो अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह की मुस्तैदी देखी जाती है? क्योंकि अभी तक तो यही इस डिसीजन को जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स खास तौर पर वो गलत ही बता रहे हैं, अब ऐसे में क्यों ये रिस्क लिया जा रहा है ये समझ से परे है। खैर, बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, खासतौर पर जो स्कूल के भवन हैं, जो इमारतें हैं, उनका क्या हाल है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नौनिहालों को स्कूलों तक भेज रहे हैं, वहाँ पर सिटिंग की व्यवस्था है, भवन ठीक है कि नहीं है, और उसके अलावा कोरोना के नियमों का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जब कोरोना लोगों को हुआ तो किस तरह से लाशों की कतारें देखी हमने, वो मंजर देखा है, वो तकलीफ समझी है, वो लोगों की आंखों से आंसुओं का ना रुकना देखा है, और उसके बाद ऑक्सीजन के लिए भटकना, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ना होना। हालांकि प्रशासन इस बार दावा कर रहा है कि वो कोरोना की तीसरी लहर से पहले पूरी तरह से तैयार हैं, बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ बच्चे, और बच्चों में संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि बच्चे खेलते हैं, उठते बैठते हैं, इन्हें 24 घंटे आप नियमों में नहीं बांध कर रख सकते। और जब हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर अलग अलग राज्यों में दस्तक दे रही है, तो मध्य प्रदेश इस मामले में क्यों ये निर्णय ले रहा है, जो अपने आप में जो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उसे गलत बता रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई या अगर इसका स्प्रेड होता है तो भला कौन जिम्मेदारी लेगा? और अभिभावक इस मामले में खुद भी चिंतित हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भला वो किससे इस मामले में जवाब लेंगे? तो जवाबदेही भी तय करनी होगी शिक्षकों की, स्कूल प्रशासन की, कि स्कूलों में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। और ये जो सीज़न है, सीज़न में वैसे ही जुकाम बुखार के पेशेंट बहुत डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, खासतौर पर बच्चों में भी इस समय पर कोल्ड होना, नॉर्मल फीवर होना, और अभी तो डेंगू भी है, डेंगू के भी लगातार मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में ये रिस्क फैक्टर डॉक्टर्स को दिखाई दे रहा है। और इसलिए बार बार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि फिलहाल जल्दबाजी हो जाएगी अगर स्कूल खुल रहे हैं तो, और बहुत ज़्यादा समय नहीं, आज 17 तारीख है, 20 तारीख को हम फिर यही तस्वीरें देखेंगे स्कूलों की, कि स्कूलों में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिलहाल इसे लिटमस टेस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम अभिभावकों के सामने वो तस्वीरें रखना चाहते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो उन्हें किस तरह का माहौल दिया जा रहा है, कोरोना के नियमों का किस तरह से पालन हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हम चाह रहे थे कि स्कूलों से हमें पता चलें, और होशंगाबाद और शुजालपुर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाएं, और कई जगहों पर हम कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पे भी स्कूलों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि जो अभिभावक हैं वो संतुष्टि से, ये इत्मीनान से ये समझ सकें कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं या नहीं हैं, और बच्चों को लेकर व्यवस्थाएँ हैं या नहीं हैं। जबलपुर चलते हैं, मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, वो हमें बताएंगे स्कूलों में लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करने के लिए वहां पर कोई स्कैनिंग करने के लिए, टेम्परेचर देखने के लिए कोई मौजूद है या नहीं? मनीष बताइए। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो हमने देखा है, अगर निजी स्कूलों की बात करें तो वहां व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी व्यवस्थाएं वहां देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हैं, चूंकि अब खुलने वाले हैं तो यहां पर अब देखना होगा, और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं दूर दराज जो ग्रामीण इलाकों में हैं जहां पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है ना बैठने के लिए, और कई तो बिल्डिंगें भी ऐसी हैं जो खस्ता हाल में है, और ये काफी मतलब प्रशासन जो है ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से है कि जहां बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ रहे हैं वहां पर अगर बिल्डिंगें ही जब इस तरह की है खस्ता हाल में तो एक चिंताजनक स्थिति होती है ये, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है, और अब देखना ये होगा कि कोरोना गाइडलाइन को लेके कितना क्या ये जो स्कूल प्रबंधन है क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं क्या बच्चों के लिए, और इससे क्या है अभिभावक की जो चिंता है वो कैसे दूर कर पाएंगे, ये देखना होगा। जी पारुल, बिल्कुल मनीष, देखना लाजमी होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, बच्चों को लेकर जो डॉक्टर्स का भी कहना है कि फिलहाल ये जल्दबाजी ना हो जाए, क्योंकि अभी
कोरोना भी है, डेंगू भी है, और उसके अलावा वायरल फीवर के मरीज जो इस मौसमी बुखार में जो पीड़ित होते हैं वो भी डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। और ऐसे वक्त पर जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, और अगर किसी स्कूल से स्प्रेड होता है कोरोना का, तो भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, स्कूल प्रशासन पर इस मामले में जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाएगा? क्या आगे आप देखते हैं? क्योंकि अभिभावक चिंतित हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन क्या गारंटी है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है स्कूल में? तमाम चीज़ों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब जान होगी तब तो बाकी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। जी, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल के जो टीचर्स हैं और स्कूल प्रशासन जो है, इनको जिम्मेदारी अपनी लेनी होगी, क्योंकि बच्चों को उतना ज्ञान होता नहीं है कि वो इतना सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें। वो खेल खेल में ही एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है। और मुझे थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति ये भी है कि अभी थोड़ा सा शायद रुकना था, इतना जल्दबाजी नहीं करनी थी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। लगभग मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो लगातार मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक स्थिति चिंता की जरूर है कि इसमें कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, कैसे इसकी तैयारियां की जाएंगी। और अभिभावक तो चिंतित हैं ही, क्योंकि बच्चों में अगर ये फैलता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है सभी के और लिए। हम जानते हैं मनीष, एक और चिंतित करने वाली बात ये है कि हम जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, नर्सरी, केजी, फर्स्ट केजी, सेकंड प्राइमरी जो सेक्शंस होते हैं, इनमें बच्चों को टीचर्स ही खाना खिलाते हैं, और वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना हो जाता है, तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? और आपको बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर कोरोना प्रवेश कर चुका है। ऐसी स्थिति में बहुत इफ एंड बट वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत माइनर और बहुत जरूरी बातें, इन तमाम चीजों को टेंशन में रख रहे हैं, अपने जहन में रख रहे हैं अभिभावक। जी बिल्कुल, देखिए ये सारे सवाल जो हैं अभिभावक के मन में है जो, और दिमाग में चिंता भी है कि कैसे हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनकी कैसे सुरक्षा होगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड होती है बहुत तेजी से, तो उनको चिंता बहुत ज्यादा है। अभिभावक कहीं ना कहीं संकोच भी करेंगे और बचेंगे भी कि अभी हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, ये हमें देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी संख्या में। आपको लगता है मनीष, जबलपुर में आप काफी समय से मीडिया हाउस में रह रहे हैं, अनादि को आप काफी समय से प्रेजेंट कर रहे हैं जबलपुर में, स्कूल्स में मैं बात करूं का, क्योंकि हमने इस बीच देखा कि स्कूल्स की तरफ से स्ट्राइक हो रही थी, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से भी स्ट्राइक हो रही थी, सरकारी स्कूलों को आप इतर रखिए, क्या आपको लगता है कि डिसीजन इस दबाव में भी आकर सरकार की तरफ से लिया जा रहा है? एक पहलू क्या कहता है आपका इसके लिए? देखिए ये भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है स्कूल, निजी स्कूल संगठन जो हड़ताल कर रहे थे कि हमें अनुमति दी जाए और सभी स्कूलों को ओपन किया जाए, जैसे 6 से 12 खेल खोल दिए गए थे, ठीक उसी तरह से ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि जो निजी स्कूल संचालक हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने लगी थी, तो उसको भी शायद सरकार ने कहीं ना कहीं ध्यान में रखा है। और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि चूंकि प्राइमरी स्कूलों को तो अभी नहीं खोलना चाहिए था, ये थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लिया सरकार ने, और थोड़ा सा भी रुकना चाहिए था। कम से कम वैक्सीनेट हो जाते बच्चे, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन को लेकर तो लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो वैक्सीन आई नहीं है, तो कम से कम उस समय तक रुक जाते तो शायद अगर कोई त्रुटि हो भी रही होगी या कोई जल्दबाजी हो भी रही होगी तो उस तक हम अपने बच्चों को रोक पाते। लेकिन स्कूल खुलना टेंशन तो दे ही रहा है अभिभावकों को, और उसके अलावा ये भी कि स्कूल में पढ़ाई अलग होती है सभी जानते हैं, और घर पर जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रही है वो भी अलग हो रही है, तो चिंता तो है। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो स्कूलों में बच्चों का पहुंचना शुरू हो गया है, तो स्कूलों में बच्चों के प्रवेश चालू हो गए हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे तो पहुंच ही रहे हैं, 20 तारीख से छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल ओपन कर दिए जाएंगे, लेकिन टेंशन इस बात की कि क्या स्कूलों में तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन होगा, गाइडलाइंस का पालन होगा, क्या जो सुरक्षा के पैमाने हैं उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर स्कूलों को खोला जाएगा, क्योंकि अभी डेंगू भी है, कोरोना भी है, और वायरल फीवर भी इस सीज़न में जो मौसमी बुखार है बच्चों में है ही, और जो खास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि फिलहाल डर है। लिटमस टेस्ट इसलिए भी बोल रहे हैं, हम भवनों की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज जब बाल अधिकार आयोग से ब्रजेश चौहान जी पहुँचे अलग अलग स्कूलों में, उन्होंने जायज़ा लिया, तो कहीं उन्हें पानी भरा हुआ दिखा, तो कहीं उन्हें छत टपकती हुई दिखी,
बच्चों के सर पर पानी टपटप कर रहा था और बाकी जगहों पर ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें थीं जो ब्रजेश चौहान जी ने देखी। लेकिन अब बाकी जगहों के अगर हम बात करें तो कई जगहों पर भवन ही नहीं है, आंगनबाड़ियों बाड़ियों में क्लासेस चल रही थी, कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें आई कि पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो आलम यह है कि 100% व्यवस्थाएँ नहीं है और ऐसे में स्कूलों को छोटे बच्चों के लिए खोलना क्या ये जल्दबाजी तो नहीं, ये निर्णय कहीं गलत ना साबित हो जाए और फिर जब स्थिति बिगड़ेगी, स्प्रेड होगा कोरोना का, वो संभाले नहीं संभलेगा, ये सभी जानते हैं। तो सवाल यही कि जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको यही था कि एक लिटमस टेस्ट के तौर पर हम प्रशासन को भी आगाह कर रहे थे कि आप स्कूल खोलने का निर्णय तो ले रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, लेकिन क्या उतनी व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में जो बच्चे पहुंचें उन्हें वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सुरक्षा के पैमाने दिखेंगे, अभिभावक उस मामले में संतुष्ट होंगे, वो बगैर डर के बगैर खौफ के अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं जो हम कोशिश कर रहे थे कि हम अभिभावकों के सामने वो तस्वीरें रखें कि स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन स्कूलों में आपके बच्चों के बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क, क्योंकि छोटे बच्चों को 24 घंटे आप किसी चीज़ में बांध कर नहीं रख सकते, यानी कि अगर आप आधा दिन भी स्कूल खोल रहे हैं तो उस आधे दिन में भी 4-5 घंटे में भी क्या स्कूल में तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन होगा, बच्चे उन नियमों का पालन करेंगे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुरेंद्र, क्या कुछ स्थिति आपके क्षेत्र में स्कूलों को लेकर, स्कूल में कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ये भी बताइए कि भवन ठीक है और किस तरह से पालन हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का, अभिभावकों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो क्या वो संतुष्ट हैं स्कूल खुलने से? सुरेंद्र देखिए, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में स्कूल बंद रहे उसके बाद बच्चों की आदत में भी नहीं रहा है कि स्कूल जाने के रेगुलर जो कि कंटिन्यू स्कूल जाते थे बच्चे, उसके बाद अभिभावकों में ये है कि जो रूटीन था बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो जागरूक थे वो एक अव्यवस्था हो गई है। साथ में स्कूलों में भी अब ये देखना होगा हमको कि जिस तरह से 2 वर्षों से बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, स्कूल की बिल्डिंगों में जिस तरह से अभी तक उनको खोला नहीं गया है, तो उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो कब तक सुधरेंगी, कितने दिन उसमें लगेंगे? और बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो सवाल यही है कि व्यवस्थाएं क्या दुरुस्त हैं, उतनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तमाम सुरक्षा के पैमानों का पालन किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन के साथ, और ये भी कि बगैर बार बार डॉक्टर्स हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं आप जल्दी तो नहीं कर रहे, ये थोड़ा अगर लेट और हो जाता, वैक्सीन बच्चों को हो जाती उसके बाद अगर स्कूल खुलते तो शायद उतनी आफत नहीं आती, लेकिन अगर स्प्रेड हुआ तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। भवनों की हम बात कर रहे थे जहाँ कई जगहों पर सर पर पानी टपकता हुआ बच्चों के दिखा भवन के अंदर, क्लासरूम के अंदर, तो कहीं स्कूल ही पूरा तालाब बना हुआ था। तो इन व्यवस्थाओं के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ स्कूल खुलें तो क्या ये ठीक होगा? दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।